गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका तुषार सर और मैं लेकर आया हूं एक मॉडल पेपर फॉर क्लास 12 फिजिक्स स्टूडेंट, क्योंकि आपकी क्वार्टरली एग्जाम बहुत नज़दीक है और कुछ लोग के क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट भी हो गए हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है जिसमें फिजिक्स का पार्ट वन से चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर सेवन तक हमने पेपर डिजाइन किया है फुल्ली ऑन द बेसिस ऑफ एमपी बोर्ड पैटर्न, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर फाइव आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमारे वन वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये जो पेपर है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वार्टरली एग्जामिनेशन और इसमें बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप ये पूरा पेपर प्रिपेयर करते हो बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल देन यू विल डेफिनेटली पास योर एग्जाम विद फ्लाइंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस पेपर को बहुत ही सीरियसली लेकर हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपरली एनालाइज करिए और मगअप करिए जो भी फैक्चुअल डाटा है, जैसे फंडामेंटल चार्ज की यूनिट क्या होती है या न्यूमेरिकल ऑन ट्रांसफार्मर, न्यूमेरिकल ऑन कैपेसिटर्स, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग, द मिनिमम चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, ठीक है बेटा। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कितना होता है बेटा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सेकेंड है, कैपेसिटर अलाउज थ्रू इट, कैपेसिटर क्या है बेटा, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर, ये वर्क होता है बेटा सिर्फ किस में आपका, ओनली एसी करंट में, ठीक है, डीसी करंट पे वर्क नहीं करता है आपका कैपेसिटर, किस में वर्क करता है बेटा, ओनली एसी करंट में। द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, द वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है आपका, इट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जो हमने अभी किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेटा कभी कभी वन वर्ड में भी पूछते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ऑब्जर्व याद रखना बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ओमिक जो भी आपके प्योर मेटल है, जो भी आपके ओमिक रेजिस्टेंस के बेटा, जो भी आपके प्योर मेटल है, दे आर ऑल ओमिक रेजिस्टेंस। और व्हाट डू मीन बाय ओमिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दैट फॉलोस ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस दैट फॉलोस ओम्स लॉ और कॉल ओमिक रेजिस्टेंस। तो कौन सा दिख रहा है इसमें प्योर मेटल आपको, जंक्शन डायोड नहीं, ट्रांजिस्टर, एलईडी बेटा, कॉपर वायर, इसका आंसर क्या हो गया बेटा, कॉपर वायर। ऑन प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, किस पे वर्क करता है बेटा, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the phase difference between current flowing and voltage in alternating circuit containing pure capacitor, pure capacitor मतलब क्या होगा बेटा, आपका सिर्फ capacitor लगा हुआ है तो current और I के बीच का आपको बताना है कि कितना phase difference होता है, तो कितना होता है बेटा, pi by 2 होता है, कितना होता है बेटा, pi by 2, ठीक है। I नीचे होगा और ये कहाँ जाएगा आपका, horizontal में, angle कितना बनेगा आपका, pi by 2। next question है आपका, fill in the blanks, the SI unit of inductance, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टिव, देखो बेटा कोई भी रेजिस्टेंस हो आपका, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, इंडक्टिव हो या नॉर्मल रेजिस्टेंस हो, सभी यूनिट क्या होती है बेटा, ओम, सभी यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा, डायरेक्ट करंट में आपकी साइकिल कैसी होती है, सिंपल होती है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या आपकी, नहीं, तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, जीरो, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, जीरो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाइड इन हाउसेस इन इंडिया, हमारे जो हाउसेस में एसी सप्लाइड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज बेटा, हमारे घर पे जो इंडिया में हाउसहोल्ड करंट में जनरेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा, 50 हर्ट्ज, और उसमें देखो ना कितने वोल्ट पर आता है बेटा, इट इज 220 वोल्ट, कितने वोल्ट पे आता है बेटा, 220 वोल्ट पे। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली पूरा पेपर जो है वो पूरे आईएमपी क्वेश्चन पे बेस्ड है इसका, तो हर एक क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है आपका, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जेड, जी से डिनोट करते हैं इसको। करंट डेंसिटी क्या होगा आपका, करंट अपॉन पर यूनिट लेंथ, तो क्या होगा इसका बेटा, करंट की यूनिट क्या होगी आपकी, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर।
ओम्स लॉ द वीआई ग्राफ इज, देखो ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ होता है आपका वी इज इक्वल टू आई, तो ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका वी और ये क्या हो गया आपका आई, तो इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा रेजिस्टेंस का, रिजल्टेंट ये आपका है आर, तो कैसे बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन, कैसे बनता है बेटा लाइन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इन वन वर्ड, किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड अपॉन विच लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है बेटा, होते हैं आपके किरचॉफ्स करंट लॉ, एक होता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है आपका टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है बेटा कि आपका जो नेट ईएमएफ है वो इट इज इक्वल टू द नेट समेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज विच लॉ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पे बेस्ड है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉट फॉर्म क्लोज का, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉट फॉर्म क्लोज कर्व क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये कैसे फ्लो करती है आपकी ओपन कर्व, तो डायरेक्शन है कैसा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, अगर क्लोज करेगी तो फिर क्या होगा आपका टेंजेंट ड्रॉ वाला इशू, तो बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में करना है बिकॉज द ओपन कर्व द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, वॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा फाई, इलेक्ट्रिक क्या होता है आपका फाई, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्फेस एरिया, क्या होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्फेस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग सर्फेस एरिया इज कॉल्ड फाई, एंड टू क्या होता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज गॉस थ्योरम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है बेटा हेनरी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्बन से आया है ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस एन ए, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस एन ए, मतलब जो टोटल चार्ज है इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है बेटा, Q इज टोटल चार्ज, N क्या है आपका बेटा, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इज इक्वल टू क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और E क्या है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10 टू पर माइनस 9 कूलम, राइट, ऐसा यूनिट ऑफ एस, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी फैरड, क्या होता है बेटा फैरड, ठीक है, मैं द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कि कौन सा लॉ है बेटा ये कूलम्स लॉ, कौन सा लॉ है कूलम्स लॉ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस कूलम्स लॉ क्या है आपका ये, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं क्या होगा बेटा आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका फिफ्थ, मतलब ए का आंसर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज सर्फेस व्हाट, ये क्या है आपका गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है बेटा आपका बी का क्या है आपका क्यू इज इक्वल टू सॉरी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस कंडक्टर क्या होगा सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, मतलब क्या है सिक्स, तो बी का क्या हो गया सॉरी इधर मैंने लिखा है ऐसा, एक्चुअली रिक्वेस्ट को ऐसा लिखता हूँ तो आप लोग थोड़े कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये वाला कौन सा है आपका गॉस लॉ, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट आपका टोटल पॉइंट चार्जेस फर्स्ट का आंसर फिफ्थ है, सेकंड का आंसर क्या है क्लोज, और ये है आपका डी, अच्छा मैंने कहीं कहीं गलत लिख दिया इसलिए ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं, थ्री का आंसर क्या है कैपेसिटेंस का आपका सिक्स, फोर देखिए निक्रोम, निक्रोम क्या है बेटा आपका रेजिस्टेंस वायर है, निक्रोम क्या है आपका रेजिस्टेंस वायर है, फिफ्थ वन इज लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स क्या होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, क्या आपका करंट मेजरिंग डिवाइस कौन सी होती है, मेजरिंग डिवाइस इज एमीटर, कौन सी होती है एमीटर, ठीक है, नेक्स्ट टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर डिस्ट्रेस्टेड, ये स्टेटमेंट कैसा है 100% करेक्ट है, ठीक है, हमने पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज जीरो, ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि सरफेस पे चार्ज होता है आउटसाइड द चार्ज होता है पर इनसाइड क्या होता है चार्ज नहीं होता, और ये अपने कहाँ पे पढ़ा है बेटा, इट इज अ डेरिवेशन, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, किसका एप्लीकेशन है बेटा गॉस थ्योरम, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है,
द ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेबर, गलत। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बेटा वेबर है क्या? नहीं, अभी अपन ने पढ़ा था क्या है, हेनरी है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ये स्टेटमेंट गलत है। इंड्यूस करंट किसमें आता है बेटा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। किसमें आता है? राइट हैंड रूल में। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत। द कंडक्टर कैन बी गिवन अनलिमिटेड चार्ज, गलत। कंडक्टर आपको अनलिमिटेड चार्ज नहीं लेता, एक फाइनाइट वैल्यू लेता है। कैसी लेते हैं बेटे? एक फाइनाइट वैल्यू, उसके थ्रू खराब हो जाता है, हमको उसको क्या करना पड़ता है? चेंज करना। ठीक है, अब चालू हो गए बेटे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या चालू हो गए आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें ये कितने वर्ड्स में होते हैं आपके? 30 वर्ड्स मैक्सिमम। कितने वर्ड्स में लिखना पड़ता है इसके आंसर हमको? 30 वर्ड्स। डिफाइन ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या होता है बेटा ओम्स लॉ? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और इसके बाद एक कांस्टेंट आता है कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? आर, या वी इज इक्वल टू आई आर, आपसे याद करिए। ऑल्सो ग्राफ कैसे बने? वोल्टेज और इसके बीच ये आई है, ये आपका वी है, कैसे ग्राफ बनता है बेटा आपका? आर, मतलब रिजल्टेंट कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है और एमपी क्वेश्चन है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी, विथ विच द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बहुत ईजी है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है बेटा? समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ आई इन टू आर। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज अ करंट ऑफ 35 एम्पीयर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पीयर, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 35 एम्पीयर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है एट अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 20 सेंटीमीटर। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बेटा? मीटर में। तो 20 × 10⁻²⁪ मीटर। और ये क्वेश्चन कहाँ से बेटा? इट इज इक्वेशन ऑफ। तो क्या होगा आपका लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग वायर का क्या फॉर्मूला है? बी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में क्या है? 2πr। तो अपने को क्या निकालना है? म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁷। तो हमको निकालना है म्यूनॉट की वैल्यू। तो म्यूनॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी? म्यूनॉट की वैल्यू होगी आपकी, इसको ऊपर उधर लेके चलेंगे तो म्यूनॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 4π × 10⁻⁷। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4π × 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 35। अब 2π × आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 20 × 10⁻²। 2π 1 2 2 कट गया आपका, 2 1 2 10 कट गया आपका। ठीक है, और 10⁻⁷ ये है, तो क्या होगा? 10⁻⁷ इंटू 35 अपॉन में क्या होगा? 10 × 10⁻²। ये देखो 3 से कट जाएगा, ये 3.5 आ गया, और 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10⁻⁷ + 2 देखिए कितना हो जाएगा? 3.5 × 10⁻⁵। और यूनिट क्या होगी बेटा? टेस्ला। यूनिट क्या होगी? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या है बेटा? टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द चार्जेस ऑन टू स्पेयर्स, द चार्जेस ऑन टू स्पेयर्स कैरी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, कितना है? देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 कौन से क्वेश्चन पे है? कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। किस पे है? कूलम्स लॉ पे। दो चार्जेस है आपके पास, Q1 एंड Q2। Q1 का चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁷, और इसका चार्ज क्या है? 3 × 10⁻⁷। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा आपके पास? 30 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस? 37। कैलकुलेट द फोर्स, तो फोर्स निकालना है अपने को। तो फोर्स क्या होगा बेटा इनके बीच? फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 / r² के की वैल्यू क्या है? 1/4πε₀Q1Q2 / r² 1/4πε₀ की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन आर की वैल्यू कितना हो गया? 30। अब ये सेंटीमीटर में है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 30 × 10⁻²⁪ मीटर। तो 30 × 10⁻²⁪ मीटर उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो आंसर।
आंसर भी कम आउट टू 16 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन है क्वेश्चन। इसके बाद स्टेट एंड ड्राइव गॉस थ्योरम, स्टेट एंड ड्राइव गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसका डेरिवेशन बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका है, सिर्फ आपको जाना है किसमें, तुषार सर के विज्ञान यूट्यूब चैनल को ओपन करिए, देन गो ऑन टू द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जैसे ही आप देखोगे डेरिवेशन वाला सेक्शन या फिजिक्स क्लास 12th में, उसमें आपको गॉस थ्योरम का डेरिवेशन मिल जाएगा। एंड बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायो सेवर्ट लॉ बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π, इट इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है आर। इसका भी डेरिवेशन मैंने कर दिया है और बहुत ही प्यारे तरीके से करवा के दिया है। गॉस थ्योरम का अपन ने करा है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स स्क्वायर कूलम्स लॉ। ठीक है, तो दोनों का डेरिवेशन अपलोड किए हैं मैंने किसमें, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप नीचे लिंक में आपको दे दूंगा दोनों की, तो लिंक में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं दोनों का डेरिवेशन। राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी सबसे पहले कैसी होती बेटा, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। कैसा होता है बेटा, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। उसके बाद जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये आउटसाइड द मैग्नेट कैसी होती, आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड इनसाइड कैसी होती है, इनसाइड इट इज नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, थर्ड फिर क्या है, टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व gives the direction of magnetic field, give the direction of magnetic field। और चौथा, magnetic field lines never intersect each other, never intersect each other। ठीक है, magnetic field lines never intersect each other। Write down the properties of electric lines of force। अब electric lines of force की property हमको बताना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा, ये भी, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू द नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है बेटा, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं आपके, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और लाइक चार्जेस कैसे होते बेटा आपके, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन एट द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस सिंगल कॉइल में होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने में होता है बेटा, डबल कॉइल में। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से बेटा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है बेटा, कि जो आपका कॉइल है जो अपोज करता है इसके कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग में, और इसमें क्या होता है, टू कॉइल्स लगे रहते हैं आपने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन बोल रहा है, इसका डिफरेंस बिटवीन इसको याद करके जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है कौन सा, पी साइन थीटा वाला जो डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, उसके पार्ट्स, एलसीआर सर्किट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू डेट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एनपी अपॉन एनएस इट इज इक्वल टू 1/10 इफ इट इज कनेक्टेड टू द मेन्स लाइन। मेन्स लाइन मतलब किसमें होता है बेटा आपका, मेन लाइन मतलब कौन सा होता है आपका, प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी होता है, जिसमें अपन करंट देते हैं, प्राइमरी कॉइल होता है, तो अपन इसको बोल देते हैं ईपी। कितना है बेटा आपका, 110 वोल्ट। ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लो, तो आई
एम्पीयर करंट है, इस एम्पीयर अपॉन एनएस की वैल्यू कितनी है 1/10, और वीपी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ईपी मतलब ईपी या वीपी दोनों एक ही बात है 110, और आईपी की वैल्यू कितनी होगी ये। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कौन सा रेशियो यूज कर सकते हैं, वीएस अपॉन एनएस अपॉन एनपी इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी, सॉरी एनएस अपॉन, हम यूज कर सकते हैं एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, वीएस की वैल्यू हम निकाल लेंगे एनएस अपॉन एनपी इंटू क्या कर लेंगे वीपी, तो एनएस अपॉन एनपी कितना 1/10 इंटू वीपी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1100 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपका 11, ठीक है, इजी था। और अगर आईएस निकालना है तो आईएस क्या होगा बेटा आपका, आईपी इंटू क्या होगा एनपी अपॉन एनएस, तो आईपी कितना एन, एनपी अपॉन एनएस क्या 1/10, तो 5 1 5 2 0, तो कितना होगा 0.5 एम्पियर, ठीक है, सिंपल से न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वाला क्वेश्चन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चेंजेस द ट्रांसमिटेड लाइन वोल्टेज फ्रॉम 1 एंड 2, कितना कर रहे हैं 1440, तो वीपी की वैल्यू कितनी होगी, वीपी या ईपी की वैल्यू कितनी होगी 1112, कितना 1100 है क्या 11 वोल्ट, ठीक है, 220, वीएस की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 440 वोल्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एनपी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8000, एंड द नंबर ऑफ सेकेंड एनएस निकालना है आपको क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल है वीपी अपॉन वीएस, ठीक है बेटा आप कंफ्यूज नहीं होना, वीपी जो है इट इज इक्वल टू ईपी, एक ही बात है, और जो वीएस है वो भी क्या होता है बेटा आपका ईएस, तो इक्वल टू क्या होगा एनएस अपॉन एनपी, हमको क्या निकालना है एनएस निकालना, तो क्या होगा वीएस अपॉन वीपी, आप सॉल्व करोगे तो आंसर नंबर 2 दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो अब क्या आंसर करेंगे यहां से अपन, अपने को निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है एनएस, तो एनएस क्या होगा इसका रेशियो, तो क्या होगा वीपी अपॉन में वीएस इंटू क्या होगा एनपी, वैल्यू हमके पास दी हुई वीपी कितना है आपके पास 1100 इंटू एनपी कितना है आपके पास 8000 अपॉन में वीएस कितना है बेटा आपके पास इट इज 440, बस इसको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कर लोगे। एलसीआर सर्किट भी देखिए, फॉर एलसीआर सर्किट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस इज, एलसीआर सर्किट में बेटा जेड की वैल्यू क्या होती है इंपेडेंस निकालना, इसमें जो जितने भी थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन दिए पहले से ही मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर सॉल्विंग ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट। यू आर गिवन 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर आपके C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 है, कितना है 4 माइक्रो फैरेड का, हाउ दे विल कंबाइन टू ऑब्टेन रिजल्ट निकालना है, तो हमको याद कर सीरीज में क्या होता है बेटा अपॉन CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, और पैरेलल में क्या होता है CP इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2, हमको ऐसे अरेंज करना है कि जिसका आंसर क्या हो 6 निकल कर आए। तो देखिए अगर मैं इसको 2 को कनेक्ट करता हूँ सीरीज में और 1 को करता हूँ पैरेलल में, तो ये कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, और ये दोनों किसमें आपके पैरेलल में, तो देखो पहले सीरीज का देखते हैं 1/CS इक्वल टू क्या होगा 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका 4, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2/4 इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो 1/CS इक्वल टू 1/2, तो CS की वैल्यू कितनी होगी 2, और ये कितना है आपका 4 है, तो फिर CS एंड CP किसमें आपके पैरेलल में, और पैरेलल में दोनों क्या होते हैं CS प्लस CP, ठीक है CS प्लस CP, तो CS कितना आपका निकल कर रहा है 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 6 है, तो आंसर क्लियर समझ में आया, तो 2 सीरीज में होंगे अरे कैसे होंगे पैरेलल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा, इसके जो भी क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं फिल इन द ब्लैंक मैजा कॉलम वन वर्ड और जो छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल है इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, और जो बड़े क्वेश्चन जैसे ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन गॉस थ्योरम कूलम्स लॉ ठीक है बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसको मगअप कर लीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।